starting with chapter import and export procedure, warehousing and duty drawback. So what's the name of the chapter? Import export procedure, warehousing, duty drawback. हालांकि import procedure हम लोग ने basic chapter में, the very first chapter में हम लोग ने introduction के साथ import के procedure को देखा था, जहां पे हम लोग ने diagrammatically learn किया था कि import कैसे करते हैं, ठीक है? Person in charge से ship लेके आता है, berthing place पे खड़ा करता है, फिर वो IGM paste करता है, and so on, ठीक है? यहां पे main focus जो हमारा होगा, वो होगा export procedures पे. इंपोर्ट प्रोसीजर में हम लोग इंटरेस्ट वगैरह की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए बिल ऑफ एंट्री एसेस हो गई है, उसके बाद पेमेंट राइट टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट क्या होगी, ये सब देखेंगे. फिर वेयरहाउसिंग के सारे रूल्स देखेंगे, वेयरहाउसिंग में कितने दिन के लिए माल स्टोर किया जा सकता है, कितने दिन के अंदर अगर हम बाहर माल नहीं निकालते हैं वेयरहाउस के तो हमें इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, ये सब देखेंगे. एंड विल ऑल्सो लर्न ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है. इंपोर्ट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी. इन जीएसटी रिजीम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस शैल बी अवेलेबल टू द इंपोर्टर एंड लेटर टू द रेसिपिएंट इन द सप्लाई चेन. हाउएवर द क्रेडिट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी वुड नॉट बी अवेलेबल. In order to avail ITC of IGST and GST compensation cess, an importer has to mandatorily declare GST registration number in the bill of entry. देखिए, import duty क्या क्या होती है? Import duty comprises of BCD, EC, SHEC, ठीक है, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, हालांकि प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब भी लग सकता है. आईटीसी किसके लिए मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन से, बस इन्हीं दोनों का मिलेगा, बाकी किसी का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता, ठीक है. यानी एक इंपोर्टर जब माल इंपोर्ट करता है तो उसने बीसीडी पे किया, ईसी पे किया, एसएचईसी पे किया, आईजीएसटी पे किया, जीएसटी कंपनसेशन से पे किया, जब वो उस माल को फर्दर बेचेगा, ठीक है, तो उस पर क्या लगाएगा? जीएसटी लगाएगा. अगर इंटर स्टेट सेल करेगा तो क्या लगाएगा? इंटर स्टेट सेल करेगा तो आईजीएसटी लगाएगा, इंटर स्टेट सेल करेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, ठीक है, अलोंग विद जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है. क्या उसे इस आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस की क्रेडिट मिल जाएगी? इसकी मिल जाएगी, बाकी इंपोर्ट करते समय जितना टैक्सेस पे किया उसकी क्रेडिट नहीं मिलती. हालांकि अगर उसे जीएसटी की क्रेडिट लेनी है, ठीक है, तो जब वो बिल ऑफ एंट्री सबमिट करता है फॉर पेइंग टैक्सेस, बिल ऑफ एंट्री सबमिट करके एसेस कराता है तभी तो ये टैक्सेस पे करता है, उस बिल ऑफ एंट्री में उसे क्या लिखना पड़ेगा? अपना जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा, तभी उसे क्रेडिट मिल पाएगी. कस्टम ईडीआई सिस्टम वुड बी इंटरकनेक्टेड विद जीएसटी एंड फॉर वैलिडेशन ऑफ आईटीसी. कस्टम का ईडीआई सिस्टम, ये ईडीआई सिस्टम क्या है बेसिकली? ईडीआई सिस्टम इज, ऐसे कह लीजिए, इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच एक्सेप्ट्स कस्टम्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, आज आपको कस्टम के डॉक्यूमेंट को मैनुअली सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती, यू कैन सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कस्टम इलेक्ट्रॉनिकली. और कस्टम ने इसके लिए जो सिस्टम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसी को क्या बोलते हैं? ईडीआई. ठीक है, तो कह रहा है कि कस्टम का जो ईडीआई सिस्टम है, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हो डाटा, कस्टम्स वाले सारे डॉक्यूमेंट, सारे कस्टम वाले, वो लिंक्ड होगा जीएसटीएन के पोर्टल से. ठीक है, तो जैसे ही आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करोगे इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईडीआई सिस्टम, तो वो क्या करेगा? आपके जीएसटीएन नंबर से ट्रैक करते हुए जीएसटीएन के पोर्टल पे वो क्रेडिट डाल देगा. ठीक है, फर्दर बिल ऑफ एंट्री डाटा इन नॉन ईडीआई लोकेशन वुड बी डिजिटाइज्ड फॉर एंड यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन. फर्दर क्या कह रहा है? हालांकि
आज 100% जितने भी पोर्ट हैं वहां पे ईडीआई सिस्टम नहीं लगा हुआ है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 98%, ऑलमोस्ट 98% इंटरनेशनल ट्रेड आर हैंडल्ड बाय ईडीआई। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं उसका 98% तो ईडीआई मैनेज कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोकेशंस हैं, कुछ ऐसे भी पोर्ट हैं जहां पे अभी ईडीआई सिस्टम नहीं है, तो आप वहां इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो कस्टम के, वहां पे आप मैनुअली सबमिट करते हो। कह रहा है जहां पे मैनुअली सबमिट किया जाता है वहां से डॉक्यूमेंट को उठाया जाएगा और कोई एक बंदा होगा जो वो क्या करेगा, सब कुछ ईडीआई में फीड करेगा। ठीक है, सिंस उस पोर्ट पे ईडीआई सिस्टम नहीं है तो भी वहां के लिए काम कराया जाता है कि आप वहां तो मैनुअली सबमिट करेंगे, इंपोर्टर मैनुअली सबमिट करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, उसको डिजिटाइज करा लेंगे। ठीक है, तो कहता है कि इस तरीके से अगर वो नॉन ईडीआई पोर्ट पे भी आपने क्या किया है, बिल ऑफ एंट्री सबमिट की है, तो भी आपके जीएसटीएन पोर्टल पे दिखाई देगा क्योंकि डिपार्टमेंट वालों ने उसे क्या किया होगा, डिजिटाइज करा लिया होगा। इंपोर्टेड गुड्स बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड फॉर होम कंजप्शन। क्या आपको सभी बिल ऑफ एंट्री के कलर्स याद हैं? व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री, व्हाइट कलर ये होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। ठीक है, देन येलो कलर ये होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ग्रीन कलर क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स। मतलब इमीडिएट माल छुड़ाना है तो व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हैं, इमीडिएट माल छुड़ाना हो तो व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउसिंग में माल डलवाना हो तो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हैं, और फिर फर्दर वेयर हाउस से माल छुड़वाने के लिए आप ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हैं। व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड फॉर होम कंजप्शन, यहां पे पढ़ रहे हैं ड्यूटी पेड ऑन द सेम डे ऑफ डेट ऑफ रिटर्निंग बिल ऑफ एंट्री। व्हाट इज डेट ऑफ रिटर्निंग बिल ऑफ एंट्री, मतलब डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर हैज रिटर्न्ड यू असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, ड्यूटी किस दिन पे करना होता है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री असेस करके आपको दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 9 अप्रैल को हमने क्या किया, बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया, और प्रॉपर ऑफिसर ने 10 अप्रैल को उसे एसेस करके हमें दे दिया, तो 10 अप्रैल को प्रॉपर ऑफिसर ने अगर बिल ऑफ एंट्री एसेस करके दे दिया तो हमें 10 तारीख को ही क्या करना होगा, टैक्सेस जमा करने होंगे। सपोज हमने 10 अप्रैल को बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया, प्रॉपर ऑफिसर ने भी 10 तारीख को ही हमें क्या किया, एसेस करके उसे दे दिया, तो हमें सबमिट कब करना है, टैक्सेस 10 तारीख को। हमने 10 तारीख को बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया, 15 तारीख को प्रॉपर ऑफिसर हमें एसेस करके उसे देता है, तो टैक्सेस कब जमा करना है, 15 तारीख को। जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर हमें बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करता है, असेस्ड बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करता है, उस दिन टैक्सेस जमा कर देना है। ठीक है, अगर हम कर देते हैं यस तो इंटरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड टू पे, अगर हम नहीं करते हैं तो वी आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट। अगर हम एक दिन भी डिले करते हैं तो भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। येलो कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड फॉर वेयर हाउसिंग, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग की सबमिट की है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके आगे सुनिए, ग्रीन कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वेयर हाउसिंग। 90 दिन, वेयर हाउसिंग के 90 दिन के अंदर अंदर आपको वेयर हाउस से माल निकाल लेना है। अगर आपने 90 दिन के अंदर ग्रीन कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिट नहीं की तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर 90 दिन के अंदर अंदर ग्रीन कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड विद इन 90 डेज, कह रहा है नो, वेयर हाउसिंग के 90 दिन के अंदर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, दैट इज ग्रीन कलर बिल ऑफ एंट्री, ये सबमिट नहीं की तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेयर हाउस में माल आप 90 दिन तक ही रख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप वेयर हाउस में माल एक साल रख सकते हो, कुछ केसेस में हम आपको बताएंगे 3 साल और 5 साल भी है, लेकिन नॉर्मली एक साल ही है। ठीक है, आप बिल ऑफ ये वेयर हाउसिंग में माल कितने समय के लिए रख सकते हो, एक साल के लिए रख सकते हो, लेकिन अगर 90 दिन के अंदर क्लियर नहीं कराओगे तो उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वेयर हाउस का रेंट तो लगेगा ही लगेगा, वेयर हाउस का रेंट तो लगता ही, आप एक दिन रखो, 10 दिन रखो, 50 दिन रखो, 1000 दिन रखो, ठीक है, वेयर हाउस के रेंट तो लग ही रहे हैं।
ठीक है, लेकिन अगर 90 दिन के बियॉन्ड रखोगे तो वेयरहाउस का रेंट लगेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? बेसिकली हम वेयरहाउस में गुड्स डाल देते हैं तो इससे ड्यूटी भी तो पोस्टपोन कर दे रहे हैं। कस्टम ड्यूटी आप कब पे करते हैं? जब वेयरहाउस से माल निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 90 दिन के अंदर वेयरहाउस से माल नहीं निकालते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट हमसे कहता है कि आपका टैक्स भी तो रुका हुआ है, आप उस टैक्सेस पे क्या दीजिए, अब हमको इंटरेस्ट दीजिए। क्लियर है बात सबको? वेयरहाउस का रेंट हम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हम वेयरहाउस में माल रखे हैं। और इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट हम इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि कस्टम ड्यूटी अभी हमने पे नहीं की है। वेयरहाउस में माल रख के हम वेयरहाउस का किराया तो देंगे क्योंकि वेयरहाउस की जगह ली है हमने, लेकिन वेयरहाउस में माल रख के हम कस्टम ड्यूटी को पोस्टपोन भी तो कर देते हैं, क्योंकि आपको कस्टम ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब आप वेयरहाउस से माल निकालते हैं। तो ऐसे में अगर 90 दिन तक भी आप माल नहीं निकालते हैं, उसके बियॉन्ड आप समय लेते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है? आपसे इंटरेस्ट ले लिया जाता है। तो याद रहेगा, अगर हम व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हैं तो जिस दिन एसेस्ड बिल ऑफ एंट्री मिलती है उस दिन टैक्सेस जमा करना है, नहीं तो इंटरेस्ट। और अगर हम वेयरहाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर फर्दर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वेयरहाउसिंग के 90 दिन के अंदर अंदर हमें फाइल कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना है ये सीखते हैं। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंटरेस्ट कितना लगेगा? देखिए, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एट द रेट ऑफ 15%। इंपोर्टर शैल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द सेम डे इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री एंड इन केस ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट विद इन वन डे आफ्टर द रिटर्न ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अगर सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री है तो सेम डे सबमिट करना पड़ेगा आपको टैक्सेस। और अगर मान लीजिए रीअसेसमेंट हुआ है या फिर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, आप प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में भी सीखेंगे कि जहां पे हमें राइट ड्यूटी वगैरह नहीं पता है और ऐसे में हम प्रोविजनल असेसमेंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविजनल असेसमेंट अगर आपने कराया है तो आप अगले दिन तक जमा कर सकते हैं, अदरवाइज सेम डे जमा करना है। नोट, इफ द सीबीएसई सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, इट मे बाय ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड वेव द होल और पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल अंडर दिस सेक्शन। सीबीसी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा चाहती है कि इंटरेस्ट वगैरह वेव कर देना चाहिए तो ऐसा कर सकती है। इलस्ट्रेशन वन, एक्स प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री ऑन 9th अप्रैल 2018 फॉर होम क्लियरेंस। आफ्टर वेरिफिकेशन बिल ऑफ एंट्री हैज बीन रिटर्न्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन 10th अप्रैल 2018 फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 1,03,000। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन 9 अप्रैल को फाइल हुई थी। आफ्टर वेरिफिकेशन बिल ऑफ एंट्री डिपार्टमेंट ने किस दिन रिटर्न की? 10 अप्रैल 2018 को, जिसमें कस्टम ड्यूटी कितना था? 1,03,000। किस दिन जमा हो जाना चाहिए? 10 अप्रैल को ही जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। हाउएवर द ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को ड्यूटी पे की गई है। कितना दिन देर हो गया? 10 तारीख को जमा करना था, वो हमने 30 तारीख को जमा किया है, तो टोटल डिले कितना हो गया? 21 डेज का। There are 5 holidays from 11 April 2018 to 30 April 2018. 11 तारीख से लेके 30 तारीख तक में 5 holidays भी हैं, ठीक है। तो 21 दिन में से 5 दिन घटा दीजिए, जो 5 छुट्टियां उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 5 छुट्टियां घटा देंगे 21 दिन में से, तो 16 दिन हो जाएगा, 16 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। आइए कैलकुलेशन कराते हैं आपको। नंबर ऑफ डेज 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 21 दिन, 5 छुट्टियां घटा दीजिए तो 16 दिन का डिले, ये कैलकुलेट कर दिया गया 16 दिन का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लग रहा है? कस्टम ड्यूटी के अमाउंट पे। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पे इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? इलस्ट्रेशन टू अपने से देखिए।
Station 2. A bill of entry was presented on 4th August 2018. The vessel carrying goods arrived on 11th August 2018. Bill of entry 4 August ko file kiya gaya. Vessel arrived hua 11 August ko. Entry inward grant kiya gaya on 13 August 2018. Bill of entry was assessed on that date and was returned to the importer for payment of duty on that date. 13 अगस्त को एंट्री इनवर्ट ग्रांट किया गया और उसी दिन बिल ऑफ एंट्री को एसेस भी कर दिया गया था, उसी दिन एसेस हो गया था। तो भाई 13 अगस्त को जमा हो जाना चाहिए टैक्सेस। द ड्यूटी अमाउंटिंग टू 5 लाख वाज पेड बाय द इंपोर्टर ऑन 22 अगस्त 2018। ये जो ड्यूटी थी वो 22 अगस्त को पे की गई, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 47(2) ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 गिवन दैट देयर वर 4 हॉलीडेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 14 अगस्त टू 22 अगस्त। 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक में 4 हॉलीडेज भी थे, तो 4 हॉलीडेज हम लोग काट देंगे। 13 अगस्त से 22 अगस्त कितने दिन होते हैं जोड़िए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8, 21, 22, 2, 10, 10 दिन होते हैं। 10 दिन में से 4 छुट्टियां काट दीजिए, 6 दिन का डिले हो गया, 6 दिन के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी एट द रेट ऑफ 15%। सबको समझ में आ रहा है? दो इलस्ट्रेशन किया, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन एसेस करके जब रिटर्न कर दी जाती है उस दिन टैक्सेस जमा हो जाना चाहिए। अगर उस दिन जमा नहीं होता है तो जिस दिन तक जमा होगा उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा, बीच में जितने हॉलीडेज आएंगे उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 15%। चलिए आइए अब वेयर हाउसिंग समझते हैं। As per section 243 of the Custom Act 1962, warehouse means public warehouse licensed under section 57. Warehouse का मतलब क्या होता है? Public warehouse licensed under section 57, private warehouse licensed under section 58 और special warehouse licensed under section 58A. के लिए पहले मेरे साथ साथ याद कीजिए warehouse का मतलब क्या है। तीन तरीके के warehouse, public warehouse 57, public warehouse अंडर सेक्शन 57, प्राइवेट वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58 और स्पेशल वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58A। पब्लिक वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, ठीक है? पब्लिक वेयर हाउस का मतलब होता है पब्लिक गोडाउन, ठीक है। कस्टम वाले क्या कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक गोडाउन को लाइसेंस दे सकते हैं कि तुम कस्टम के वेयर हाउस हो, यहां पर कस्टम का माल रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गोदाम है, वो पब्लिक गोदाम है, कोई भी अपना माल मेरे यहां रख सकता है, ठीक है। तो कस्टम वाले हमें लाइसेंस दे सकते हैं, अब मेरा गोदाम क्या बन गया, कस्टम का गोदाम बन गया, ठीक है। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब होता है मेरा पर्सनल वेयर हाउस है, मेरा पर्सनल गोदाम है, हम सिर्फ अपना माल रखते हैं यहां पे। कस्टम वाले उसे भी लाइसेंस दे सकते हैं, कह देंगे कि ये आपका प्राइवेट क्या बन गया, कस्टम का गोदाम, ठीक है। अब बेसिकली अगर कस्टम वाले लाइसेंस दे देते हैं तो बेसिकली कस्टम वालों की फिर नजर भी रहती है उस गोडाउन पे, क्या माल रखा रहा है, कितना माल रखा रहा है, पूरा कस्टम वाले कंट्रोल भी करेंगे उस वेयर हाउस को, ठीक है। तो कस्टम पब्लिक वेयर हाउस हो सकता है, प्राइवेट वेयर हाउस हो सकता है, मतलब मेरा अपना वेयर हाउस जिसमें हम सिर्फ अपना माल रखते हैं, कस्टम वाले उसको प्राइवेट कस्टम वेयर हाउस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर माल इंपोर्ट करेंगे तो हम अपना कस्टम अपना इंपोर्टेड माल उस वेयर हाउस में डाल सकते हैं, ठीक है। और जितने भी फायदे होते हैं ना वेयर हाउस में डालने के, वो सारे फायदे भी हमको मिलेंगे। मेरा ही वेयर हाउस है, ठीक है, कस्टम वालों ने लाइसेंस दे दिया हमको, तो हम पोर्ट से माल छुड़ा के उस वेयर हाउस में डाल देंगे। और ड्यूटी कब पे करने की आवश्यकता पड़ेगी, जब अपने ही वेयर हाउस से हम माल निकालेंगे। समझ में आई बात, मतलब वो कस्टम का वेयर हाउस है कुल मिला के। तो पब्लिक वेयर हाउस कस्टम वाले लाइसेंस कर सकते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंस कर सकते हैं, स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस क्या होता है, स्पेशल वेयर हाउस का मतलब यह है कि वहां पे कुछ स्पेशल आइटम्स ही रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, ये सब रखने के लिए अलग वेयर हाउसेस होते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्पेशल वेयर हाउस। या कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, यहां पे हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के कि स्पेशल वेयर हाउस में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। तो इतनी बात क्लियर है सबको। 57, 58 एंड 58A फीचर ऑफ वेयर हाउसिंग। इंपोर्टर कैन डिफर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज बाय स्टोरिंग द गुड्स इन अ सेफ प्लेस। अब वेयर हाउसिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिसमें से बहुत सारी बातें हमको पहले से पता है कि अगर हम वेयर हाउस में कस्टम के माल रख देते हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ड्यूटी को भी डिफर कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी तो हमें कब पे करना है, जब वेयर हाउस से माल हम निकालेंगे।
importer allowed during manufacturing in bonded warehouse and then re-exporting from it? अगर वेयरहाउस में माल है तो हम वेयरहाउस के अंदर क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं और वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम वेयरहाउस से माल छुड़ा के अपने यहां ले जाते तो हमको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ जाती, ठीक है। आपको परमिशन है कि आप बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर ही क्या कर सकते हैं। बॉन्डेड क्यों? बॉन्डेड का मतलब होता है वेयरहाउस ऑन विच कस्टम डिपार्टमेंट हैज गॉट अ कंट्रोल, ठीक है, इसलिए बॉन्डेड कह रहे हैं। बॉन्डेड मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो इंपोर्टर क्या कर सकता है, बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर माल बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और वहीं से री एक्सपोर्ट कर सकता है। इंपोर्टर कैन बी अलाउड टू कीप द गुड्स अप टू वन ईयर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द डेट ही डिपॉजिटेड द गुड्स इन टू वेयरहाउस। एक साल तक का समय मिल जाता है, आप बॉन्डेड वेयरहाउस में, वेयरहाउस में क्या कर सकते हो, माल रख सकते हो, ठीक है, विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। वेयरहाउस में से समय सीमा क्या है माल रखने की, एक साल तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप 90 दिन से ज्यादा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, रख सकते हो, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं हम अपनी बात, अगर आप 90 दिन से ज्यादा वेयरहाउस में रखते हो तो ऐसे में आपको कस्टम ड्यूटी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रख कितने समय तक सकते हैं, एक साल तक रख सकते हैं आप वेयरहाउस में माल। 90 दिन के जब आप बियॉन्ड रखेंगे तो ऐसे में आपको 15% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, 15% पर इनम के हिसाब से। दिस टाइम लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 3 ईयर फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड द टाइम पीरियड स्टिल बी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर इफ द गुड्स आर कैपिटल गुड्स। अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग की बात करें तो उनको 3 साल का समय दिया गया है रखने के लिए वेयरहाउस में, और अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग ने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है तो वो 5 साल तक उसे रख सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, अगर मान लीजिए हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग नहीं है तो हम कितने दिन तक माल रख सकते हैं, चाहे इनपुट हो कैपिटल गुड्स हो व्हाटएवर, कोई भी इंपोर्ट हो, साल भर ही रख सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग अगर इनपुट मंगाया है तो 3 साल रख सकता है, कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट किया है तो वो 5 साल तक वेयरहाउस में रख सकता है, ठीक है। The importer minimizes the charges by keeping in a warehouse, otherwise the demurrage charges at port is heavy. क्या कहना चाहता है बताइए, पोर्ट पे अगर माल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने तो ये बात पढ़ रखी है कि पोर्ट पे तो हर पोर्ट का अपना अपना समय सीमा है कि अगर इतने समय तक आप माल पोर्ट से नहीं हटाएंगे तो डेमरेज चार्जेस लग जाएगा, और डेमरेज चार्जेस इज अ काइंड ऑफ पेनाल्टी, ठीक है, ये बहुत हेवी होती है। तो ज्यादा बेहतर तो यही है कि पोर्ट से माल इमीडिएट हटाए, उठा के कहां डाल दे, वेयरहाउस में, ठीक है। वेयरहाउस में तो वेयरहाउस का किराया लगेगा जो कंपैरेटिवली बहुत कम है, पोर्ट पे माल छोड़ देंगे तो डैमेज चार्जेस लग जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम आर कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट अ वेयरहाउस एज पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस। पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस कौन अपॉइंट कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम में लाइसेंस प्राइवेट वेयरहाउस। प्राइवेट वेयरहाउस को भी कौन लाइसेंस देता है, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर। लाइसेंस टू प्राइवेट वेयरहाउस कैन बी कैंसिल्ड बाय गिविंग 1 month नोटिस। 1 महीने की नोटिस देके प्राइवेट वेयरहाउस का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या कारण बताना होगा कि हमने आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल किया? नहीं, डिपार्टमेंट को कारण भी बताने की जरूरत नहीं है, वो बिना कारण बताए लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस कैसे कैंसिल होगा, 1 महीने की नोटिस देके प्राइवेट वेयरहाउस के लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं, वो भी बिना कारण बताए। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन द वेयरहाउस। जिस पे ड्यूटी नहीं लगती उस माल को तो ये कहा जाता है कि आप छुड़ाइए और लेके जाइए, उसको वेयरहाउस में नहीं डाला जाता। वेयरहाउस में कौन से माल को डाला जाता है, जिसपे ड्यूटी लगती है। ग्रीन बिल ऑफ एंट्री हैज टू बी सबमिटेड बाय द इंपोर्टर टू क्लियर गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजप्शन। सबको पता है अगर वेयरहाउस गुड्स को क्लियर कराना है फॉर होम कंजप्शन के लिए तो बिल ऑफ एंट्री कौन से कलर की होगी, ग्रीन कलर की। इमीडिएट अगर हम छुड़ाते हैं माल कस्टम्स पोर्ट से सीधे तो वो होती है व्हाइट कलर वाली, लेकिन अगर वेयरहाउस से माल छुड़ाना है फॉर होम कंजप्शन तो वहां पर ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। Rate of duty is applicable as on the date of presentation of bill of entry, that is sub bill of entry or ex bond bill of entry for home consumption. ये भी हमको पता है कि rate of duty कौन से दिन की रखती है, जिस दिन आप bill of entry for home consumption file करते हो, और उसको क्या बोला जाता है, ex bond bill of entry। आइए हम आपको बता देते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं
ये जो व्हाइट कलर वाली है ना, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, बस बिल ऑफ एंट्री। येलो कलर वाली को हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। और ग्रीन कलर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इसको याद भी कर लीजिए, रट लीजिए। व्हाइट कलर वाली को उसे बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं, येलो कलर वाली को हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। और ग्रीन कलर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन की लगेगी जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हो, ठीक है। यानी कि जिस दिन आप ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करते हो उस दिन। एक्सचेंज रेट किस दिन का लगता है, याद है सबको? एक्सचेंज रेट उस दिन का लगता है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया था, यानी कि येलो कलर वाली। और ये है ग्रीन कलर वाली। पॉइंट नंबर 12 है, इफ द गुड्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस विद इन द परमिसेबल पीरियड देन सब्सिक्वेंट रिमूवल कॉल्ड इम्प्रॉपर रिमूवल। अगर आपने वेयर हाउस से समय के अंदर रिमूव नहीं किया तो सब्सिक्वेंट रिमूवल को इम्प्रॉपर रिमूवल कहा जाएगा। द रेट ऑफ बीसीडी विच इज एप्लीकेबल एज ऑन द लास्ट डे ऑन विच गुड्स वुड हैव बीन रिमूव्ड बट नॉट इज एप्लीकेबल। क्या कहता है? लेकिन ध्यान दीजिए, आपको वेयर हाउस में उतने समय के लिए ही माल रखना होगा जितने समय की आपको परमिशन मिली है, और मैक्सिमम समय क्या है, एक साल, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल आपको वेयर हाउस में रखने के लिए परमिशन मिली है 4 महीने की, ठीक है। लेकिन आप 4 महीना 10 दिन पे माल छुड़ाने आते हैं, आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन कब फाइल करते हैं, 4 महीना 10 दिन पे वेयर हाउसिंग के, वेयर हाउसिंग कराने के 4 महीना 10 दिन बाद आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करते हैं। तो ऐसे में रेट 4 महीना 10 दिन बाद जो चल रहा है वो रेट नहीं लगेगा, 4 महीना जिस दिन ओवर हुआ उस दिन का बिल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वेयर हाउसिंग पीरियड जो आपको परमिट किया गया था उसके बाद अगर आप रिमूव करेंगे तो ये मान लिया जाएगा दिस इज एन इम्प्रॉपर रिमूवल, एंड रिमूवल इज एज्यूम टू बी हैव डन ऑन द डेट ऑन विच इट वॉज सपोज टू बी रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस। जिस दिन वेयर हाउस से आपको माल निकाल लेना चाहिए था उस दिन ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि गुड्स रिमूव हो चुके हैं, यानी उसी दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगी। याद रहेगा ये बात, आपको हमेशा यही सिखाया गया ना कि वेयर हाउसिंग गुड्स के केस में रेट कौन से दिन का होता है, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन ग्रीन कलर वाली फाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेयर हाउसिंग पीरियड के अंदर अंदर फाइल करते हैं तब ऐसा होता है। अगर मान लीजिए वेयर हाउसिंग का समय आपको दिया गया है 4 महीने, लेकिन आप 4 महीने 15 दिन पे गुड्स को रिमूव करने आएंगे तो 4 महीना 15 दिन बाद जो रेट चल रहा है वो नहीं लिया जाएगा, एग्जैक्टली 4 महीने बाद जो रेट था वही लिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन 4 महीने का पीरियड ओवर हुआ, समय कितना परमिटेड था आपको वेयर हाउसिंग का, 4 महीना, तो जिस दिन 4 महीना पूरा हुआ ये मान लिया जाएगा कि आपका गुड्स रिमूव हो गया। और 4 महीना 15 दिन पे जब आप रिमूव कर रहे हैं तो उसको इम्प्रॉपर रिमूवल कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज रिमूवल वॉज डन इवन 15 डेज अर्लियर, रिमूवल 15 दिन पहले हो गया था ये मान लिया गया था जिस दिन भी आपकी ड्यू डेट वेयर हाउसिंग की पूरी हुई। सेक्शन 59 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, बॉन्ड अमाउंट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ट्वाइस द ऑफ द ड्यूटी अमाउंट टू थ्राइस द ड्यूटी अमाउंट एंड सिक्योरिटी विल ऑल्सो हैव टू बी गिवन। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सबमिट करते हैं तो ऐसे में आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ता था, राइट। अब बॉन्ड जो होता है वो दुगने अमाउंट का नहीं होगा, वो 3 गुने अमाउंट का होगा, थ्राइस द अमाउंट, ठीक है। अर्लियर आई बिलीव एक बार कभी जब हम आपको इंपोर्ट प्रोसीजर की बात कर रहे थे तो हमने ड्यूटी अमाउंट का ट्वाइस ही आपको बोला था, बट दैट इज नॉट ट्वाइस, दैट इज थ्राइस, ठीक है, 3 गुना हो गया है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज ट्वाइस बट नाउ इट हैज बीन मेड थ्राइस। तो आप यही याद रखेंगे ड्यूटी अमाउंट के 3 गुने का क्या सबमिट करना होता है, आपको बॉन्ड देना होता है और साथ में सिक्योरिटी भी देनी होती है, ठीक है। बॉन्ड का तो मतलब क्या है, अंडरटेकिंग कि हम इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज सबमिट कर दीजिए कस्टम वालों के पास ताकि वो बेच के पैसा निकाल लें अगर आप ड्यूटी नहीं दोगे तो, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी।
Licensing of public warehouse, section 57, the principal commissioner of custom or custom commissioner of custom may subject to condition as may be prescribed license a public warehouse wherein dutiable goods may be deposited. Section 58, the commissioner of custom or commissioner of principal commissioner of custom or commissioner of custom may subject to such condition as may be prescribed license a private warehouse where dutiable goods imported by or on behalf of the licensee may be deposited. क्या कहना चाह रहा है प्राइवेट वेयरहाउस के केस में? कह रहा है कि प्राइवेट वेयरहाउस को लाइसेंस कौन देगा? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम लाइसेंस देंगे जहां पे ड्यूटीएबल गुड्स कौन रख सकता है? लाइसेंसी रख सकता है, मतलब जिसको वेयरहाउस का लाइसेंस दिया गया है वो खुद इंपोर्ट किया है या उसके बिहाफ पे कोई इंपोर्ट किया है तब रखेगा. तो ध्यान दीजिए, प्राइवेट वेयरहाउस क्या होता है? अपना माल रखने का वेयरहाउस होता है, और पब्लिक वेयरहाउस जिसमें कोई भी रख सकता है. ठीक है, तो ये पब्लिक वेयरहाउस का अगर आपको लाइसेंस मिला है तो कोई भी रख लेगा, अगर आपको प्राइवेट वेयरहाउस का लाइसेंस मिला है तो बस आप अपना माल रखेंगे उस वेयरहाउस में. ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ स्पेशल वेयरहाउस. सेक्शन 58A1, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड license a special warehouse wherein dutiable goods may be deposited and such warehouse shall be caused to be locked by the proper officer and no person shall enter the warehouse or remove any goods therefrom without the permission of the proper officer. Kya kehta hai? Will license a special warehouse wherein dutiable goods may be deposited and such warehouse shall be caused to be locked by the proper officer. Aur is pe taala kaun marega? Proper officer. And no person shall enter the warehouse or remove any goods therefrom without the permission of the proper officer. ठीक है, उस warehouse में कोई भी enter नहीं कर सकता है, कोई भी goods remove नहीं कर सकता है proper officer की permission के बिना. Section 58A2, the board may by notification in the official gadget specify the class of goods which shall be deposited in a special warehouse. हालांकि special warehouse में कौन से goods deposit होने हैं ये भी notify किया गया है. आइए notification दिखाते हैं आपको. Consequently, CBEC by notification number 66/2016, CUS, that is custom entity dated 14/5/2016, has notified the following class of goods which shall be deposited in a special warehouse. Gold, silver or other precious metal and semi-precious metal and articles thereof. What you have to submit in a special warehouse? Gold, silver and other precious metal and semi-precious metals. गुड्स वेयरहाउस फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें और क्या क्या हो सकता है? सप्लाई टू डीफीएस इन कस्टम एरिया, ड्यूटी फ्री शॉप्स. आपने एयरपोर्ट वगैरह पे ड्यूटी फ्री शॉप देखी होगी. एयरपोर्ट्स पे जब आप जाते हैं ना तो आप देखेंगे यू विल फाइंड सम शॉप्स एज ड्यूटी फ्री शॉप. ठीक है, मतलब उस शॉप से आप जब माल लेते हैं तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी. ठीक है, यू वॉन्ट हैव टू पे एनी कस्टम ड्यूटी उस शॉप की, जो भी माल को आप लेके कहीं भी जाते हैं तो. ठीक है, यू मस्ट हैव द बिल ऑफ दैट शॉप. ठीक है, अगर आपके पास उस शॉप की बिल है तो यू कैन इंपोर्ट दोज गुड्स ड्यूटी फ्री. ठीक है, तो सप्लाई टू डीएफएस, ड्यूटी फ्री शॉप में सप्लाई करने के लिए गुड्स को कहां रखा जाता है? स्पेशल वेयरहाउस में. सप्लाई एज स्टोर टू वेसल ऑब्लिक एयरक्राफ्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट में स्टोर की तरह सप्लाई करना है. स्टोर की तरह मतलब फ्यूएल वगैरह है वेसल और एयरक्राफ्ट का, तो वो सब कहां पर स्टोर होता है? वो सब भी स्पेशल वेयरहाउस में स्टोर होगा. सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज पर्सन, फॉरेन प्रिविलेज पर्सन का मतलब एम्बेसीज वगैरह है. ठीक है, एम्बेसी वगैरह को देने के लिए जो सामान होता है वो सब भी कहां पे होता है? स्पेशल वेयरहाउस में होता है. ठीक है, नोट वन, प्रिविलेज पर्सन मीन्स अ पर्सन इंटाइटल टू इंपोर्ट और परचेज लोकली फ्रॉम बॉन्ड गुड्स फ्री ऑफ ड्यूटी फॉर हिज पर्सनल यूज or for use of any of the member of the family for official use in his mission, consular post or office or in deputy high commissioner or assistant high commission. A duty free shop in the airport need not be licensed as warehouse under section 58A. keh raha hai ki duty free shop se agar aap maal lete hain to duty free shop wale to kya kar sakte hain? Maal ko store kar sakte hain, custom duty bhi unko pay nahi karna hai. theek hai, aur na hi wahan se maal khareedne wale ko koi custom duty pay karni hoti hai. तो कह रहा है कि उसको वेयरहाउस की तरह लाइसेंस कराने की भी आवश्यकता नहीं है. डीएफएस लोकेटेड इन कस्टम एरिया शुड नॉट बी ट्रीटेड एज वेयरहाउस. इनफैक्ट इट इज अ पॉइंट ऑफ सेल फॉर द गुड्स विच आर टू बी
ex-bonded and removed from the warehouse for being brought to DFS in custom area for sale to eligible person, namely international passenger arriving or departing from India. इंटरनेशनल पैसेंजर जो इंडिया में आ रहे हैं या फिर इंडिया से जा रहे हैं वो डीएफएस ड्यूटी फ्री शॉप ये पोर्ट पे ही होता है, ये एयरपोर्ट पे आपको ये दुकानें मिल जाएंगी, आप यहां से सामान खरीद सकते हैं जिसपे कस्टम ड्यूटी आपको पे नहीं करनी होगी. कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. वेर अ लाइसेंस कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और ब्रीचेस एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, the principal commissioner of custom or commissioner of custom may cancel the license granted under section 57 or 58 or 58A. keh raha hai ki agar licensee matlab jisko warehouse ka license diya gaya hai agar wo koi bhi condition breach karega license ki, theek hai, to aise mein kya kiya ja sakta hai, uska license cancel kiya ja sakta hai. provided that before any license is cancelled the licensee shall be given a reasonable opportunity of being heard, theek hai. लाइसेंस कैंसिल करने से पहले एक बार उसके बोलने का कहने का मौका दिया जाएगा. द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट द लाइसेंसी एंड द गुड्स अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी इंक्वायरी ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1. कहता है कि जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता, अगर लाइसेंसी ने कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है, और जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए उसका काम भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब अब उसके वेयरहाउस में कोई भी माल नहीं रखा जाएगा. वेयर द ऑपरेशन ऑफ ए वेयरहाउस इज सस्पेंडेड अंडर सबसेक्शन 2, नो गुड्स शैल बी डिपॉजिटेड इन सच वेयरहाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर से कंटिन्यू टू अप्लाई टू द गुड्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन द वेयरहाउस. कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी पाई जाती है, लाइसेंसी का लाइसेंस कैंसिल किया जाना है, अभी अब उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो ऐसे केस में कह रहा है कि अब कोई नया माल तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसका काम बाधित कर दिया जाएगा, लेकिन पुराने माल एज इट इज रहेंगे. लेकिन जिस दिन उसको सस्पेंशन दे दिया जाएगा कि यू आर नाउ सस्पेंडेड, तो अब जितना माल पड़ा हुआ है वो भी हटाना पड़ेगा. फिर से रिपीट करते हैं, लाइसेंसी ने कोई ब्रिज किया है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन का, ठीक है, अब इंक्वायरी चल रही है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया है. जब इंक्वायरी शुरू कर दी गई है तो इमीडिएट उसी समय से नया माल अब उसके वेयर हाउस में नहीं आएगा, पुराने माल एज इट इज रहेंगे. लेकिन जिस दिन उसका फॉल्ट डिक्लेयर हो गया है, जिस दिन उसका फॉल्ट इस्टैब्लिश हो गया है, उसकी गलतियां इस्टैब्लिश हो गई है, जिस दिन उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, उस दिन तो पुराना जितना माल रखा हुआ भी है वेयर हाउस में वो भी हटाना पड़ेगा. तो बेसिकली फ्रॉम वन पब्लिक वेयर हाउस टू अदर पब्लिक वेयर हाउस से ट्रांसफर कराया जाता है उस माल को. With the operation of the warehouse is suspended under subsection 2, no goods shall be deposited in such warehouse during the period of suspension, provided the provision of this chapter shall continue to apply to the goods already deposited in the warehouse. Point number 4, where the license issued under section 57, 58 or 58A is cancelled, the goods warehouse shall, within 7 days from the date on which order of such cancellation is served on the licensee, or within such extended period as the proper officer may allow, be removed from such warehouse to another warehouse or to be cleared for home consumption or export. कह रहा है कि जैसे ही लाइसेंस कैंसिल हो जाता है वेयरहाउस का और मेरा उसी वेयरहाउस में माल है जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो 7 दिन के भीतर भीतर विद इन सेवन डेज हमें क्या करना होगा, विद इन 7 डेज रिमूवल कराना होगा, ठीक है, विद इन 7 डेज विल हैव टू बी रिमूव्ड, ठीक है. किस कहां रिमूव कराना होगा, चाहे तो दूसरे वेयरहाउस में ले जाइए टू अनदर वेयरहाउस, या फिर होम कंजप्शन के लिए क्लियर करा लीजिए या एक्सपोर्ट कर दीजिए, मतलब वेयरहाउस से माल हटाइए, ठीक है, अपने घर ले जाइए, एक्सपोर्ट करा दीजिए, दूसरे वेयरहाउस में लीजिए, ले जाइए, वॉट एवर, 7 दिनों के अंदर अंदर अगर उस वेयरहाउस का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो. और जिस समय इंक्वायरी चल रही थी उस समय नए माल की एंट्री तो वैसे भी बंद कर दी गई थी, पुराने माल लेकिन पड़े हुए थे, जब कैंसिलेशन किया गया तो वहां से 7 दिन के अंदर रिमूवल करना है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेयरहाउस गुड्स. वेयरहाउस गुड्स अगर एसएससी कौन है अदर देन ईओयू ईएचटीपी एचटीपी, अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, एचटीपी की यूनिट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की यूनिट नहीं है, तो ऐसे केस में मतलब नॉर्मल यूनिट है हम, तो वेयर हाउसिंग पीरियड अगर 90 दिन तक का है तो नो इंटरेस्ट इज पेबल.
अगर वेयरहाउसिंग पीरियड 90 दिन से ज्यादा का है तो इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 15% ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ऑन द पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। से फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेयरहाउसिंग पीरियड 100 दिन का था तो हमको 10 दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, किस अमाउंट पे करना होगा, ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। क्यों कस्टम ड्यूटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसलिए कस्टम ड्यूटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है क्योंकि वेयर हाउसिंग करके हम कस्टम ड्यूटी को भी तो पोस्टपोन कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी पे करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करते हैं, ठीक है। हालांकि वेयर हाउसिंग का मैक्सिमम पीरियड आपको कहां तक परमिट किया जा सकता है, 1 साल तक परमिट किया जा सकता है, आपको बता दें। चलिए एसएससी अगर ईओयू, ईएसटीपी और एसटीपी यूनिट है, ठीक है, तो इन केस ऑफ इनपुट स्पेयर और कंज्यूमेबल्स, अगर इनपुट इंपोर्ट किया गया है तो टिल दे क्लियर है, जब तक वो क्लियर नहीं करा लेते हैं कोई इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। और इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स ऑल्सो, जब तक क्लियर नहीं करा लेते हैं तब तक कोई भी इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब बताए इनपुट रखने के लिए भी कितना समय मिलता है, 3 साल का समय मिलता है, और कैपिटल गुड्स रखने के लिए 5 साल का समय मिलता है इनको। लेकिन एक नॉर्मल यूनिट 90 दिन के बियॉन्ड इंटरेस्ट देती है और मैक्सिमम समय होता है 1 साल, और इनका मैक्सिमम समय होता है 3 साल, और 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना, और यहां पे 5 साल तक का मैक्सिमम समय है और 5 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। बच्चों पूरी बात याद रहेगी, ओनर्स राइट टू डील विथ वेयरहाउस गुड्स, द ओनर ऑफ एनी वेयरहाउस गुड्स मे आफ्टर वेयरहाउसिंग द सेम इंस्पेक्ट द गुड। अच्छा, अगर हमने गुड्स को वेयरहाउस में डाल दिया है तो मेरे पास क्या क्या अधिकार है, मेरा अपना माल था हमने वेयरहाउस में डलवा दिया तो मेरे क्या क्या अधिकार है, इंस्पेक्ट द गुड, हम जब चाहे जब अपना माल देखने जा सकते हैं वेयरहाउस में। दूसरा, डील विथ देयर कंटेनर इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस और डेटोरिएशन और डैमेज टू द गुड्स, ठीक है। अगर हमें उस गुड्स का कंटेनर बदलने की आवश्यकता है या कंटेनर के साथ कुछ करने की आवश्यकता है सो दैट मेरे गुड्स डेटोरिएट ना हो, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो ये हम कर सकते हैं। जैसे कभी कंटेनर बदलने की, बॉक्सेस बदलने की आवश्यकता है तो ये सब आप कर सकते हैं। सॉर्ट द गुड्स, मतलब गुड्स को छाट के अलग अलग रखना हो, अरेंज करना हो, तो ये सब आप कर सकते हैं वहां पे। अगर कोई कस्टमर आया है खरीदने के लिए तो आप वेयर हाउस में ले जाके उसको दिखा सकते हैं माल, ठीक है। तो ओनर के पास क्या क्या अधिकार है वेयर हाउस गुड्स के रिस्पेक्ट में, वो जब चाहे जब जाके देख सकता है उसे। कंटेनर वगैरह चेंज करना चाहे डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, डेटोरिएट होने से बचाने के लिए कर सकता है। गुड्स को सॉर्टिंग करना है, अलग अलग करके लगाना है वहां पे वेयर हाउस में, वो कर सकता है। और अगर कोई कस्टमर आता है तो उसे दिखाने के लिए भी वेयर हाउस में ले जा सकता है। कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स, All warehouse goods shall remain in the custody of the person who has been granted a license under section 57, 58, 58A until they are cleared for home consumption or are transferred to another warehouse or are exported or removed otherwise provided under this act. कह रहा है जितने भी गुड्स वेयरहाउस में हैं वो सभी किसके कस्टडी में है, shall remain in the custody of the person who has been granted the license. वो किसकी कस्टडी में है, जिसको लाइसेंस मिला है, मतलब लाइसेंसी कौन, जिसको वेयर हाउस का लाइसेंस मिला है, ठीक है, यानी जो वेयर हाउस ओनर है बेसिकली, जिसको वेयर हाउस का लाइसेंस मिला है उसकी कस्टडी में गुड्स है जब तक कि आप उसे रिमूव नहीं कर लेते। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 हु हैज द कस्टडी ऑफ द वेयर हाउस गुड्स शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कह रहा है कि जो लाइसेंसी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी वो भी प्रिस्क्राइब्ड है एक्ट में। और वो क्या है कि अगर आपकी कस्टडी में माल है और उसका इम्प्रॉपर कहीं रिमूवल वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी सबके लिए वो वेयर हाउस का लाइसेंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे समझ लीजिए आपका वेयर हाउस है, ठीक है, आपको कस्टम वेयर हाउस का लाइसेंस मिल गया, आप पब्लिक वेयर हाउस बना दियो, हमने अपना माल इंपोर्ट किया और उसमें डाल दिया, ठीक है। अब हमने किसी दिन धीरे से अपना माल आपके यहां से निकाल लिया, कस्टम वालों को पता चल गया कि आपके यहां से हमने अपना माल निकाल लिया है बिना कस्टम ड्यूटी पे किए, कस्टम ड्यूटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप भी रिस्पॉन्सिबल बनोगे, कस्टम वाले आपको भी पकड़ सकते हैं, कहेंगे चलिए ड्यूटी दीजिए,
आपके गोदाम में जब माल रखा था तो धीरे से राज अग्रवाल कब निकाल लिए, ये कैसे नहीं आपको पता चला? माल किसकी कस्टडी में था? आपकी कस्टडी में था। समझ में आ रही है बात? तो तीसरा पॉइंट में यही लिखा हुआ है, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स आर रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71। कॉन्ट्रावेंशन मतलब विदाउट पेइंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस माल निकाल लिया वेयर हाउस से, द लाइसेंसी शैल बी लायबल टू पे। लाइसेंसी, लाइसेंसी मतलब जिसको वेयर हाउस का लाइसेंस मिला है, जो वेयर हाउस चला रहा है कस्टम का, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। शैल बी लायबल टू पे ड्यूटी इंटरेस्ट फाइन पेनाल्टीज विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड। द प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड सो एज टू रिकवर द ड्यूटी ईदर फ्रॉम कस्टोडियन और इंपोर्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। Liability of duty interest fine will be on importer and or custodian as the case may be. This will cause more responsibility on custodian. कह रहा है कि basically ये सारी जिम्मेदारी custodian पे इसलिए डाली गई है, ठीक है, ताकि custodian और responsible feel करे और ध्यान दे सारी बातों पे, ठीक है। देखिए ड्यूटी किससे निकाली जाती है, ड्यूटी तो निकालना इंपोर्टर से ही है, लेकिन अगर इंपोर्टर ट्रेस नहीं हो रहा होगा तो कस्टम वाले कस्टोडियन को ही पकड़ लेंगे, ठीक है, वो उनको पकड़ लेंगे कि आपकी कस्टडी में माल था कैसे निकल गया। वेयर हाउस गुड्स रिमूवल रेगुलेशन 2016। ओनर ऑफ वेयर हाउस गुड्स मेक अ रिक्वेस्ट वेयर द वेयर हाउस गुड्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस और फ्रॉम अ वेयर हाउस टू कस्टम स्टेशन फॉर एक्सपोर्ट The owner is required to make a request in prescribed form for transfer of goods. अगर आपको वेयरहाउस गुड्स निकालना है, ठीक है, तो ऐसे में आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी हो जाती है, ठीक है। कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, वेयर द गुड्स आर रिमूव फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्ट टू अ वेयर हाउस, मतलब पोर्ट से वेयर हाउस तक माल जाना है, कस्टम स्टेशन टू वेयर हाउस, फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस जाना है, या फिर वेयर हाउस से कस्टम स्टेशन तक आना है, मतलब पोर्ट टू वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, या फिर वेयर हाउस टू पोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी अंडर वन टाइम लॉक। गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, वन टाइम लॉक के अंतर्गत ट्रांसफर किए जाएंगे। क्या होता है हम आपको समझा दें वन टाइम लॉक। जैसे मान लीजिए ट्रक से माल जा रहा है, ठीक है, तो जो भी व्हीकल से जाता है उसको लॉक कर दिया जाता है, ये कस्टम के प्रॉपर ऑफिसर जो होते हैं ना वो उसे लॉक कर देते हैं, ठीक है, और लॉक पे एक नंबर सीरियल नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। वो लॉक ऐसा होता है बेसिकली समझ लीजिए गुड्स को सीज कर देते हैं, सील कर देते हैं उस व्हीकल के अंदर, ठीक है। और तो और जैसे कि वन टाइम लॉक का मतलब सिर्फ गाड़ी को ही सील कर देना ऐसा नहीं है, जैसे गाड़ी के अंदर मान लीजिए मल्टीपल कंटेनर्स हैं, ठीक है, एक एक पर्स के कई लोगों का कंटेनर है जिसके अंदर कई इंपोर्टर्स का माल है, तो वो कंटेनर को भी इंडिविजुअली अंदर क्या किया गया, वन टाइम लॉक किया गया है, सबको सील लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि वो सील्ड माल कहां तक पहुंचे, वेयर हाउस तक पहुंचे। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जा रहा है तो सील्ड माल पहुंचे, ऐसा ना हो कि रास्ते में वो माल निकाल लिया जाए, ठीक है, ये पर्पस है। तो वन टाइम लॉक क्या होता है, ताला लगा देना, ऐसे समझ लीजिए। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स शैल बी अंडर वन टाइम लॉक अफिक्स्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और लाइसेंसी और बॉन्ड ऑफिसर, दैट इज एन ऑफिसर ऑफ कस्टम इन चार्ज ऑफ द वेयर हाउस एज द केस मे बी। हाउएवर द प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर ऑफ कस्टम मे डिस्पेंस विद द कंडीशन ऑफ वन टाइम लॉक एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट अफिक्सिंग द वन टाइम लॉक हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ गुड्स और मैनर ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर कमिश्नर ऑफ कस्टम चाहे तो ऐसा भी बोल सकता है, चलो छोड़ो ताला वाला मारने को, ले जाओ माल। तो कमिश्नर ऑफ कस्टम ऐसी ऑथोराइजेशन दे सकता है कि विदाउट वन टाइम लॉक भी माल को रिमूव किया जा सकता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एट द डेस्टिनेशन टू बी प्रोड्यूस्ड बाई ओनर ऑफ द गुड्स। The owner of the goods shall produce to the proper officer at custom station of import or bond officer within 1 month or extended period allowed an acknowledgement issued by the licensee or the bond officer of the warehouse to which the goods have been removed or the proper officer at the custom station of export as the case may be, stating that the goods have arrived at that place. In case the owner fails to provide the acknowledgement, he shall pay the full amount of duty chargeable on account of such goods together with interest, fine and penalties payable under section 72(1). क्या कहता है? कहता है कि जब माल निकला वेयरहाउस से, ठीक है, किस लिए निकला है, पोर्ट पे जाने के लिए,
तो पोर्ट पे जब पहुंच जाता है तो आपको वहां पे कस्टम ऑफिसर से एक एक्नॉलेजमेंट ले लेनी होगी कि आपका माल पोर्ट पे पहुंच गया। ठीक है, क्यों एक्नॉलेजमेंट ले लेनी होगी समझिएगा, क्योंकि अगर आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं ली तो ये मान लिया जाएगा कि आपका माल पोर्ट पे पहुंचा ही नहीं था, यानी आपने गुड्स क्लियर करा लिया था वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए, तो ऐसे में अब आपसे ड्यूटी ली जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, पोर्ट से माल वेयर हाउस से माल निकला किस लिए, एक्सपोर्ट होने के लिए, कस्टम पोर्ट पे पहुंचा। ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो सचमुच कस्टम पोर्ट पे पहुंचा, तो कह रहा है कस्टम ऑफिसर से आपको क्या ले लेनी होगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेनी होगी कि आपका माल वहां पे पहुंचा है। अगर आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं ली तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने पोर्ट से माल वेयर हाउस से माल निकाला और पोर्ट लाने की बजाय कहां ले गए, क्लियर फॉर होम कंजप्शन, और ऐसे में आपसे ड्यूटी ले ली जाएगी। आइए, लेट अस नो समथिंग अबाउट वन टाइम लॉक। वन टाइम लॉक क्या होता है, ये ताला लगा देना होता है। व्हेन द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टम स्टेशन फॉर इंपोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग, द प्रॉपर ऑफिसर एफिक्सेस अ वन टाइम लॉक ऑन द कंटेनर और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लोज ट्रक्स। कह रहे कंटेनर पे लगा देते हैं वन टाइम लॉक, या फिर किस पे लगा देते हैं, ट्रक पे लगा देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे लगा देते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। सीरियल नंबर ऑफ द ओटीएल अलोंग विद डेट एंड टाइम ऑफ इट्स अफिक्सेशन नीड्स टू बी इंडोर्स्ड अपॉन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। कह रहा है जब कस्टम पोर्ट से माल निकलता है वेयर हाउस के लिए तो लॉक करके वो माल निकलता है। ठीक है, और जब बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग आप फाइल करते हैं ना, उसमें उस लॉक का नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, बेसिकली वो जब सील लगाते हैं ना तो सील पे एक नंबर पेस्ट कर देते हैं, और जो लॉक का नंबर होता है वो नंबर भी बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग में लिख दिया जाता है, और ट्रांसपोर्ट वाले डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है, उस पे भी लिख दिया जाता है। ऑल कस्टम स्टेशन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड इनकॉर्पोरेटिंग द नंबर ऑफ द ओटीएल, बिल ऑफ एंट्री, ट्रक नंबर, कंटेनर नंबर इफ एप्लीकेबल, डेट एंड टाइम ऑफ अफिक्सिंग द ओटीएल एंड द नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर ऑफ द ऑफिसर अफिक्सिंग द ओटीएल। ठीक है, सभी कस्टम स्टेशन पे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ओटीएल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि जो भी वन टाइम लॉक का नंबर असाइन किया गया था, किस माल के रिस्पेक्ट में असाइन किया गया था, ट्रक नंबर क्या था जो उस माल को लेके गया है, किस ऑफिसर ने वो ओटीएल लगाया था, उसका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब कुछ डाल दिया जाता है। A similar procedure has been provided in the Warehouse Goods Removal Regulation 2016 for removal of goods from one warehouse to another and from a warehouse to custom station for export. However, the principal officer of custom or commissioner of custom may permit movement of goods without affixing of such OTLs, where the nature of goods on their manner of transport so warrant, like liquid bulk cargo transported through pipeline and over-dimensional cargo. कह रहा है कि principal commissioner, ये हम लोग पहले भी सुन चुके थे अभी, कि अगर कमिश्नर ऑफ कस्टम या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम ये चाहे तो कह सकता है कि चलो बिना वन टाइम लॉक लगाए ही माल को एक्सपोर्ट ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये सब किस केस में होता है, जैसे ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइज के कार्गोज हैं, तो उन सब केसेस में लॉक वॉक की आवश्यकता नहीं है, उठा के ले जाएगा कौन, इतना बड़ा कार्गो ही है। ठीक है, तो वो बिना लॉक के भी चले जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर वेयर हाउस पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस, लाइसेंसी नेमली इंचार्ज ऑफ वेयर हाउस शैल ट्रांसफर वेयर हाउस गुड्स टू अनदर वेयर हाउस ओनली वेन द ओनर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस द फॉर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स बियरिंग द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑफिसर परमिटिंग सच ट्रांसफर। देखिए, अगर किसी भी वेयर हाउस में इंपोर्टर आता है और कहता है कि मुझे दूसरे वेयर हाउस में माल ले जाना है, तो ऐसे ही वेयर हाउस वाले को नहीं छोड़ देना होगा, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे वेयर हाउस में ले जाने की वजह सीधे क्लियर करा ले होम कंजप्शन के लिए, वो झूठ बोल रहा हो इंपोर्टर, तो ये बात इंश्योर करना जरूरी है कि वो सचमुच दूसरे वेयर हाउस में ले जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए उसे क्या देखना होगा, उसके पास बेसिकली एक ऑर्डर होगा प्रॉपर ऑफिसर का कि वेयर हाउस चेंज किया जा रहा है, तो वो उसे वेयर हाउस वाले को दिखाएगा कि देखिए ये रहा मेरे पास ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर का जो कह रहा है कि आप वेयर हाउस चेंज करा सकते हैं। लाइसेंसी नेमली इंचार्ज ऑफ द वेयर हाउस ट्रांसफर वेयर हाउस गुड्स टू अनदर वेयर हाउस ओनली विद द परमिशन ऑफ द बॉन्ड ऑफिसर ऑन द फॉर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स।
तो कह रहा है कि बॉन्ड ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद ही वो क्या करेगा, गुड्स को ट्रांसफर करेगा। बेसिकली एक ऑर्डर दिखाना पड़ता है कि देखिए हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आफ्टर द गुड्स आर रिमूव्ड एंड लोडेड ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइसेंसी वुड, जैसे ही गुड्स को रिमूव किया गया और ट्रांसपोर्ट पे लाद दिया गया, अब लाइसेंसी क्या करेगा, वन टाइम लॉक लगाएगा उसके ऊपर। लाइसेंसी मतलब कौन, पुराने वाले वेयर हाउस का ओनर। मतलब वेयर हाउस ए से माल अगर वेयर हाउस बी में जा रहा है, तो जब माल निकलेगा वेयर हाउस ए से, तो वेयर हाउस ए का जो ओनर है वो उस पर लॉक लगा देगा। ठीक है, इंडोर्स द नंबर ऑफ वन टाइम लॉक ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट पे और ट्रांसफर वाले फॉर्म पे वो क्या करेगा, उस लॉक का नंबर डाल देगा। ठीक है, कॉज वन कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू बॉन्ड ऑफिसर, उसकी एक कॉपी बॉन्ड ऑफिसर को भेज देगा, मतलब कि प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर को भेज देगा, और दूसरी कॉपी दे देगा जो इंपोर्टर है उसको। रिकॉर्ड द रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग अपने पास कर लेगा वो। स्पेशल वेयर हाउस से कैसे ट्रांसफर होता है माल, वंस बॉन्ड ऑफिसर परमिट्स रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस लाइसेंसी सेल इन द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड ऑफिसर, कॉज द गुड्स टू बी लोडेड ऑन टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अफिक्स वन टाइम लॉक ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेम प्रोसीजर है कि उसको लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक का नंबर डॉक्यूमेंट वगैरह पे डालना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट की एक कॉपी प्रॉपर ऑफिसर को भेजनी होगी, एक इंपोर्टर को दे देनी होगी, और बेसिकली अब वो लेके जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, और फिर नया वाला वेयर हाउस कीपर क्या करेगा, माल मिला के रख लेगा अपने पास, वो चेक कर लेगा कि लॉक वगैरह प्रॉपर है ना, तो माल उतरवा लेगा और रखवा लेगा। मंथली रिटर्न, अ लाइसेंसी सेल फाइल विद द बॉन्ड ऑफिसर मंथली रिटर्न प्रिस्क्राइब फ्रॉम ऑफ द रिसिप्ट स्टोरेज ऑपरेशन रिमूवल ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस विद इन 10 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ द मंथ इन विच सच रिटर्न रिलेट्स। देखिए मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है लाइसेंसी को, मतलब वेयर हाउस ओनर को, कि उसके पास क्या क्या माल आया था, ठीक है, कितना अभी स्टोर्ड है, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ, जैसे कि रिमूवल वगैरह क्या क्या हुआ है, मतलब कितना माल आया, कितना है और कितना रिमूव हुआ, बेसिकली इसकी डिटेल देनी होती है ऑन मंथली बेसिस। और कब तक देनी है, अगले महीने की 10 तारीख तक, जैसे कि जुलाई महीने की अगर रिपोर्ट करनी है तो 10 अगस्त तक रिपोर्ट कर देना होगा ये। Of the goods in the warehouse within 10 days after the close of the month to which such return relates. However, such returns shall be furnished on or before the 10th day of the month immediately preceding the month in which warehousing period would expire. Online filing of ex bond bill of entry and EDI based monitoring of warehouses at custom station of import. ठीक है, वॉट इज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फ्रॉम वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी ऑनलाइन फाइलिंग होती है, ठीक है, और ईडीआई तो हमने बताया कि कस्टम वालों का ये बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसपे बेसिकली आप कोई भी ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं कस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो आप ऑनलाइन फाइलिंग करेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन के लिए, दैट इज ग्रीन बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप वो फाइल कर देते हैं तो वेयर हाउस कीपर को भी ऑटोमेटिकली उसको दिखाई देता है कि ये माल रिमूव किया जाना है। ठीक है, और फिर वो रिमूवल दे देता है। तो बेसिकली कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिखाने पड़ती है वेयर हाउस कीपर को। आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, तो ऑटोमेटिक वेयर हाउस को भी वो इंटीमेशन चली जाती है और वो आपके माल को रिमूव करा देगा। The filing of ex bond bill of entry on ICES will provide the benefit of automation to importer, availing the warehousing facility and lend efficiency to the process of clearance of the warehouse goods. On receipt of copy of ex bond bill of entry, jurisdictional bond officers will verify its detail from IC gate to check that the order of clearance for home consumption has been made by the proper officer. In case of any discrepancy, he shall not permit the removal of goods for resolution of the same. जैसे उसको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दिखाई देता है तो वो ऑटोमेटिक कंफर्म भी हो जाता है कि क्या उसको प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया है कि नहीं। अगर वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई देता है, वो सब देखने के बाद गुड्स को वो रिमूव करा देता है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी उसे दिखती है तो वो गुड्स को रिमूव नहीं होने देता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेके गुड्स को वेयर हाउस से रिमूव करा ले। अब तो क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं और उस पर क्लियरेंस आपको तभी मिलती है जब ड्यूटी वगैरह प्रॉपर ऑफिसर चेक कर लेता है, और वो भी क्या करता है, ऑनलाइन एंटर कर देता है कि
क्लियरेंस ऑर्डर भी ऑनलाइन उस पर डाल देता है, तो वेयर हाउस कीपर क्या कर सकता है, उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है कि इस पर क्लियरेंस ऑर्डर मिली है कि नहीं मिली है। इलस्ट्रेशन थ्री देखिए, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चैप्टर 9 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 कंटेनिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू द वेयर हाउस। द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट ऑथराइज टू लॉक एनी वेयर हाउस विद द लॉक ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट। कह रहा है प्रॉपर ऑफिसर किसी भी वेयर हाउस को लॉक नहीं कर सकता है कस्टम डिपार्टमेंट के लॉक से, इनवैलिड है, कर सकता है। कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील में अपॉइंट पब्लिक वेयर हाउस वेयर इन ड्यूटीएबल गुड्स में बी डिपॉजिटेड। कह रहा है कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील पब्लिक वेयर हाउस को अपॉइंट कर सकता है जहां पे ड्यूटीएबल गुड्स डिपॉजिट होते हैं, गलत बोल रहा है। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील बोल रहा है, कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील नहीं करता है, कमिश्नर ऑफ कस्टम करता है, ठीक है, पब्लिक वेयर हाउस को अपॉइंट, यह भी इनवैलिड है। द कमिश्नर ऑफ कस्टम और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस टू द लाइसेंसी व्हाइल कैंसलिंग द लाइसेंस ऑफ अ प्राइवेट वेयर हाउस इफ ही हैज कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर उसने कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेंड किया है, ठीक है, तब उसे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और अगर उसने कॉन्ट्रावेंड नहीं किया है तब एक महीने की नोटिस होती है, एक महीने की नोटिस तब है जब कॉन्ट्रावेंड नहीं किया है प्रोविजन, लेकिन अब हमको लाइसेंस नहीं देना उसको, ठीक है, तो एक महीने की नोटिस होती है। अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंड किया है तब तो हम इमीडिएट उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड है। ठीक है, इसके आंसर्स हैं ये आप देख लेंगे।